परम शांति। देखो, जो धर्म गुरु हो या देवी देवताएं हो या छोटे मोटे जितने महाराज साधु संत महात्मा हो, उन सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो नॉर्मल आत्मा भी हो। जो आत्माएं अपने धरती लोक पर रह के उन्होंने अव्यक्त स्वरूप को नहीं जाना, दिव्य स्वरूप को नहीं जाना, बेहद के परम धाम जाने का संकल्प नहीं किया, वो सभी आत्मा इस धरती पर रह के भूत प्रेत ही बनती है। ठीक है। और जो आत्मा ये संकल्प मृत्यु के बाद करना शुरू करती है, क्योंकि जिनके अंदर मोह माया रह गई वो तो अपने बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकेंगे, वो तो सिर्फ भोग की प्राप्ति के लिए ही घूमते फिरेंगे। जिस प्रकार आज का मनुष्य धरती के सुख प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, बिलियन डॉलर कमाने के लिए, बस उसके जीवन का लक्ष्य दिन रात 24 घंटे सिर्फ सिर्फ पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। परंतु ज्ञानी क्या सोचता है? ज्ञानी सोचता है कि हम कैसे इस मृत्यु लोक से निकले, हम कैसे बेहद के परम धाम जाएं, हम कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो जो अपनी आत्मा के बारे में सोचता है, आत्म कल्याण के बारे में सोचता है, विश्व कल्याण के बारे में सोचता है, वो कभी भूत प्रेत नहीं बनते हैं। वो तो दिव्य आत्मा है और दिव्य आत्मा रहेंगे। इस जीवन के अंत के बाद भी और कई अरबों खरबों समय तक भी, क्योंकि वो बेहद का ज्ञान उनके अंदर आ चुका है, वो ज्ञान उनके अंदर आ चुका है। तो मान लीजिए कोई गीता पढ़ता है और हमारा बेहद का ज्ञान नहीं जानता, फिर भी वो स्थित प्रज्ञ अवस्था, अगर उसको मोह माया उसने छोड़ दी है, तो जरूर से महर लोक तक वो जा सकता है, जहाँ पे अच्छी अच्छी आत्माएं रहती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी आत्माएं भूत प्रेत बनती है, सभी साधु संत भूत प्रेत बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर आत्माएं जो हैं वो भूत प्रेत ही बनते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं वासनाएं उनके संकल्प रह ही जाते हैं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी थियरी है। ठीक है, हो सकता है कोई भूत प्रेत अवस्था में रहें, अपने आश्रम को बढ़ाएं, अपने मंदिर को बहुत आगे बढ़ाएं, मंदिर में बैठ के चमत्कार करवाएं, उस मंदिर को फेमस करवाएं, लेकिन कुछ समय बाद जब उसको ये काम में भी उसको लगेगा कि ये तो फालतू का काम है, ये काम नहीं करना चाहिए, और उसको शरीर छोड़ने के बाद भी अगर आत्मज्ञान हो या बेहद का ज्ञान मिले, तो वो आत्मा कभी भी वापस वापस परम धाम जा सकती है। किसी को कोई बंधन नहीं है। जैसे हमें आज हम क्या करें क्या ना करें, जो फ्री विल आज हमें मिली है, वो मृत्यु के बाद भी उनके पास फ्री विल तो रहती है। उनको उनके कनेक्शन वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत में आके भी उनको मदद करती है। तो बिल्कुल ऐसे ही अब सूक्ष्म जगत में सभी के कनेक्शन है, हर व्यक्ति के सूक्ष्म जगत में कनेक्शन है। तो आने वाले समय में ये भी सब पता चलेगा, कौन कहाँ पहुँचा, कितना पहुँचा, है ना। तो अब हम यही कह सकते हैं कि इस ज्ञान को समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। फिलहाल हमें हमारे पास वो है नहीं, तो हो सकता है आने वाले समय में सबको धीरे धीरे पता चले। समय बदलेगा तो सब कुछ होगा, परंतु तब तक हमें अपना पुरुषार्थ करना है। परम शांति।